गाइज एक टाइम था जब आप मोबाइल पे अच्छी क्वालिटी के वीडियोस एडिट नहीं कर पाते थे क्योंकि लिमिटेशंस होती थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं और काइन मास्टर ऐसी एप्स इतना इम्प्रूव कर गई हैं कि अब आप काफ़ी अच्छे वीडियोस जो हैं वो अपने मोबाइल से ही एडिट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे काइन मास्टर को यूज़ करके बेसिक सी एडिटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखो और इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आप कैसे काइन मास्टर में एडिटिंग कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे और अब हम यहाँ पे जो है वो काइन मास्टर को प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे ही आपको वो एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी, इसको करेंगे ओपन और अपडेट कर लें अगर आपने नहीं किया है, या फिर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, आप होम स्क्रीन से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे आपको तीन और चार ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक होम का है, एक मिक्स, क्रिएट और मी। तो ये मिक्स में आप ये जो है वो दूसरों का बनाया हुआ प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी करके इसमें अपने क्लिप्स जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। एंड हमको जाना है क्रिएट में और यहाँ पे जो क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन है इस पर आपको करना है टैप। फिर यहाँ पे अलग अलग आपको एस्पेक्ट रेशियोज़ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो है अपने पोर्ट्रेट मोड के लिए मिल जाएगा जैसे टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की रील्स, और यहाँ पे आपको एक जो है वो नॉर्मल मिल जाएगा जैसे आप जो 16:9 वाला है इसको हम करेंगे क्लिक, और इससे आप जो है वो यूट्यूब के वीडियोज़ एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो इंस्टाग्राम रील को करेंगे, तो हम यहाँ पे सेकंड वाला सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम भी दे सकते हैं, तो चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ। तो हम यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग रील जो है वो एडिट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसको आपको जो है वो क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है, अब आपको इसमें आपकी मीडिया को जो है वो इम्पोर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको साइड में जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑल वीडियो एंड इमेज का। यहाँ पे आपको सेकंड अगर आपको कोई वीडियो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको वीडियो पे टैप करना है और यहाँ पे सारे वीडियोस जो हैं वो आ जाएंगे। तो चलिए मैं वो वीडियोस जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अलग फोल्डर में उसको रख रखा है। तो यहाँ पर ये रहे वो सारे वीडियोज़, तो यहाँ पर आप एक एक करके इन वीडियोज़ को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको बाद में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो एक वीडियो है वो यहाँ पर चूज़ कर लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है हमारी टाइमलाइन में आ चुका है। तो अगर अब आप यहाँ पे और भी मीडिया जो है वो ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, इस पर आप जैसे टैप करेंगे आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इमेज वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एडिट करनी है या ऐड करनी है आपके प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम बाकी का मीडिया भी जो है वो ऐड कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे जो है सारा मीडिया इंपोर्ट हो गया है, तो अगर अब यहाँ पे आपको इसमें कट लगाना है कहीं पे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये हटाया है और मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है डायरेक्ट, या फिर और आगे जाएंगे हम थोड़ा सा, तो मान लीजिए मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो अगर आपको यहाँ पर कट लगाना है तो आप टैप करेंगे मीडिया पर और उसके बाद ट्रिम और स्प्लिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर ट्रिम लेफ्ट से कर सकते हैं या फिर आप राइट से भी ऐसे ट्रिम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पूरा राइट का जो है वो कट कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्प्लिट को। तो अगर आपको यहाँ पे इसको यहाँ से कट करना है, स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा सीन और कट हो जाएगा आपका यहाँ पर क्लिप और इसको जो है हम डिलीट कर देंगे। एंड आप देख सकते हो वो क्लिप जो है वो डिलीट हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा और कट करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये कट होकर जो है वो आ गया है एंड ये रहा कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कोई ट्रांजिशन ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पे ट्रिम करना है या फिर अगर आप दो मीडिया क्लिप्स के बीच में हैं जैसे यहाँ से ये और ये, तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऊपर आपको एक टूल मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सारे एनिमेशंस जो हैं वो आ गए हैं, इनमें से आप कोई भी डाउनलोड करके वो है यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लिप पर। एंड यहाँ पर ये जो है वो आ चुका है आपके सामने, अब आप यहाँ पे इसको प्ले करके जो है वो चेक कर सकते हैं इसका आउटपुट। और यहाँ से आप जो है हम इसमें म्यूज़िक ऐड करेंगे तो हम इसका साउंड जो है वो मिक्सर में जाके ऑफ कर देते हैं, तो अब वीडियो में जो है कोई भी साउंड नहीं आएगा। एंड म्यूज़िक ऐड करने के लिए आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर ऑडियो पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर सॉन्ग्स में जाएंगे, फोल्डर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आप फोल्डर को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपका म्यूज़िक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाला जो म्यूज़िक है वो ऐड करना है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो वीडियो है ये हमारा म्यूज़िक यहाँ पे लग चुका है वीडियो में, इस पर हम करेंगे डोंट शो अगेन ताकि ये बार बार हमको ना दिखे। अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन में व्यू करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके होल्ड कर सकते हैं एंड ये यहाँ पर आ जाएगा बड़ी स्क्रीन में।
उसके बाद अगर आप इस पे चाहें तो आप वॉइस ओवर भी दे सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर देते हैं अपने वीडियोस में, यहाँ पे आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे परमिशंस मांगेगा, और यहाँ पे पहली बार अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो परमिशन मांगेगा आपसे, और इसको आपको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे अगर आपको जूम करके स्टार्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि स्टार्टिंग में जूम होगा तो इसको हम यहाँ से करेंगे, और ये जो है एंड में कुछ ऐसा रहेगा। हम जाएंगे यहाँ पे पैन पे, और यहाँ पे एंड पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन में हम स्टार्ट पोजीशन को कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और इसको बैक कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो आ गया है। एंड अब मान लीजिए हम इसको करते हैं यहाँ से कट, और यहाँ पे इसको हम जो ये वाला क्लिप यूज़ करेंगे जिसमें हम टैग्स को दिखा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा टैग्स वाला क्लिप। एंड आप इसको दो फिंगर से कुछ ऐसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने टैग उठाया, इसको हम यहाँ से कट मारेंगे, और दूसरे टैग को जो है वो यहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा बॉक्स ये देख सकते हो आप खुला। म्यूजिक को ऑफ करते हैं तब तक। एंड यहाँ पे जो हमारा बॉक्स खुला है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आया पहला टैग, ये आया दूसरा, और उसके बाद यहाँ से हम कट मारेंगे और थर्ड टैग पे जाएंगे, और ये हमारा स्टिकर जो है वो आया। तो यहाँ से हम कट करके, और ये जो वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे कट लगा देते हैं, और फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है, तो इसको हम यहाँ से कट लगाएंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट हो। ये काफ़ी सिंपल एडिटिंग है जो आप ट्राई कर सकते हो, और काफ़ी ईजी है, और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता लगते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे इसके मिडल में आप जो है वो ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोई एक, तो यहाँ पे हम क्रॉस फेड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से ये बॉक्स खुला, और यहाँ पे जो है हम इसमें जूम लगाएंगे हल्का सा। तो ये देखो बॉक्स खुला, जूम हुआ, और फिर जूम बैक होके यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप हमारा स्टार्ट हो गया। इस क्लिप का भी साउंड हम ऑफ करेंगे, और यहाँ से हमने ये इसको यहाँ से उठाया, और फिर यहाँ पे कट मारेंगे। तो जो क्लिप्स हमको नीचे है उसको हटा देते हैं, और यहाँ से तो ये पहला शॉट हो गया, इसको यहाँ से कट करेंगे हम, और इसमें बाकी के क्लिप्स जो हैं वो ऐड करेंगे। जैसे कि ये वाला है, जो इसका भी साउंड ऑफ कर देंगे, एंड ये यहाँ पे जो है वो चालू हो चुका है, और जैसा हमको चाहिए था वैसा हमको मिल गया है। एंड यहाँ पे जो है हमारा क्लिप जो है वो रेडी हो चुका है। अब अगर आपको इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो लेयर पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मीडिया का, इफेक्ट का, और यहाँ पे स्टिकर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। स्टिकर्स में आपको अलग अलग स्टिकर्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आप अलग अलग से फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनबॉक्सिंग, और यहाँ पे जो है आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें आप अपने फॉन्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। ऊपर ये बटन जो है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे आपके अपने फॉन्ट्स, और यहाँ पे ये जो है देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। इसमें भी आप एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे फेड कर देता हूँ इसको, और आउट का भी एनिमेशन जो है वो हम यहाँ पे फेड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप स्टार्ट होगा, और ये कुछ इस तरीके से इन हुआ, और अब ये फेड आउट हो गया काफ़ी अच्छी तरीके से, और यहाँ पे टैग्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो अगर आप इसको में अपना लोगो वगैरह जो है वो यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे, और इसमें आप जो है अपना लोगो जो है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर बाकी कोई इमेज जो आपको चाहिए वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने ये लोगो जो है वो सिलेक्ट किया है, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है, लोगो परफेक्ट नहीं है इसी वजह से थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, बट यहाँ पे आप अपना लोगो जो है वो PNG फॉर्मेट में लगा सकते हो, तो यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, जैसे हम इसको क्रॉप कर देंगे कुछ इस तरीके से, एंड ये यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। अब हम इसको लगाएंगे तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से, और इसमें भी आप इन और आउट का ट्रांजिशन जो है वो लगा सकते हो एनिमेशन वगैरह, जो कि काफ़ी कूल लगेगा देखने में। एंड यहाँ पे इतना होने के बाद अगर आप अपना वीडियो आपसे एडिट हो गया है फाइनली,
तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्सपोर्ट में, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वाड HD आपको मिल जाता है, और FPS की बात करें तो यहाँ पे 60 FPS आपको देखने को मिल जाता है। फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि 265 मिल जाता है और 264। तो अगर आपको यहाँ पे जो है वो अच्छी क्वालिटी का वीडियो चाहिए और आपके पास एक एवरेज सा फ़ोन है, तो यहाँ पे आप ये वाला यूज़ कर सकते हो 264 को, और ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आपका वीडियो जो है वो रेंडर कर देगा। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को जो है वो फुल HD में करेंगे और 24 FPS पे करेंगे। तो उसके लिए आप जो है नीचे स्लाइडर को ड्रैग कर सकते हो, आपको जितनी अच्छी क्वालिटी चाहिए वीडियो की। तो अगर आपको साइज़ कम रखना है तो यहाँ पे आप 20 के आसपास इसको रख सकते हो, और अगर आपको मतलब साइज़ जो है वो कोई उसका वो नहीं है तो आप यहाँ पे फुल कर सकते हो इसको, और सेव एज वीडियो पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके फ़ोन की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितना प्रोसेसर आपका कैसा है, उस हिसाब से यहाँ पे रेंडर का टाइम लेगा, और वीडियो की लेंथ के हिसाब से भी यहाँ पे टाइम लेता है रेंडर होने में, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम जो है वो आपको लग सकता है। उसके बाद अगर आपको रेंडरिंग में कोई इशू होता है तो आप इसकी सेटिंग में जाते हैं और जाएंगे और यहाँ पे डिवाइस परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करेंगे, और इस पे आपको एनालाइज कर देना है इस डिवाइस को, जिससे यहाँ पे जो है वो एक बार इसको चेक करेगा और आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो है वो देगा आपके एक्सपोर्ट पेज पर। एडवांस में जाके आपको ये वाली सेटिंग्स जो है वो ऑन कर देनी है, अलाउ अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स, तो इसमें जो है वो काफ़ी आप ज़्यादा वीडियो लेयर्स को यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप काइन मास्टर में और भी इफेक्ट्स आना चाहते हैं, जैसे कि आप उसमें क्रोमा की करके ग्रीन स्क्रीन को कैसे हटाएं, या फिर ऐसे टेक्स्ट कैसे ऐड करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो टेक्स्ट कैसे ऐड करें, तो उसके लिए कमेंट में बता दो और वो वीडियो आ जाएगा बहुत ही जल्दी चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसे और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।